What has Mahabharat given you as a person and as an actor? महाभारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है कि जैसे फेम पहले मेरे को कोई जानता नहीं था अब महाभारत के बाद और अब महाभारत स्टिल चल रहा है तो काफ़ी लोग मेरे को जानने लग गए हैं कि इवन जब मैं अपने जयपुर के एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो काफ़ी स्टाफ वहाँ का मेरे को पहचानने लग गया है कि दुशासन आ गया और गली के अंदर कई लोग मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचाते थे जो मेरे को पसंद नहीं करते थे वो खुद आके फ़ोटो खिंचाते हैं मेरे स्कूल की टीचर्स ने बहुत मारती थी एक टाइम वो खुद आगे आती हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए वॉट विल यू मिस द मोस्ट सबसे ज़्यादा तो हॉर्स राइडिंग हो गई आपकी वेपन ट्रेनिंग हो गई और जो नोक झोंक छोटी मोटी होती रहती है अपने को एक्टर्स के साथ की मस्ती मजाक हो गया क्योंकि हम सब लोग एक साथ रहते हैं हमारे एक बिल्डिंग में सबके अलग अलग फ्लैट्स हैं तो कभी कोई किसी घंटी बजा के भाग जाता है उसको छेड़ता है सुबह सब शाम को जब रात होती है पैकअप के बाद हम कई बार डिनर साथ करते हैं ऊपर छत पर बैठ के टेरिस पे बहुत अच्छी हवा आती है तो फिर एक दूसरे की वहाँ खिंचाई करते हैं कोई तूने लाइन ढंग से नहीं बोली तूने एक्शन ढंग से नहीं दिया तो ये सारी चीज़ें मिस करेंगे घर बैठ के तो अकेले हो जाएंगे बैठे रहेंगे Your overall experience of Mahabharat? Mahabharat का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी एक्टिंग क्लासेस हुई थी जो रोशन तलेजा जी ने ली थी हमारी एक्टिंग क्लासेस और हॉर्स राइडिंग की हम लोगों ने ट्रेनिंग ली जो कि मैंने पहले लाइफ में कभी नहीं किया था तो एक तरीके से एडवेंचर रहा मेरे लिए सीखने को बहुत कुछ मिला कि एक एक्टर जो है पॉलिश हो गया पूरी तरीके से अब मेरे को घोड़े चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती तलवारबाजी गदा चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती मैं नर्वसनेस फील होती थी डायलॉग बोलने में दिक्कत आती थी अब हम रोज़ इतना कैमरा फेस करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आती